तो आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले ओडोक्सिल 500 टैबलेट के बारे में। ओडोक्सिल 500 टैबलेट लुपिन लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। इसमें सेपाडोक्सिल 500 mg कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस MRP लगभग 63 रुपीज़ है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। सबसे पहले जानते ओडोक्सिल टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। सबसे पहले जानते ओडोक्सिल टैबलेट के यूजेस के बारे में। ओडोक्सिल टैबलेट का इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज। ओडोक्सिल 500 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा होता है जो कि आपको शरीर में इन्फेक्शन पैदा करने वाली बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। यह गले, कान, मूत्र मार्ग, त्वचा, मुलायम ऊतकों के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए प्रभावी है। यह दवा आमतौर पर आपको कुछ दिनों के अंदर बेहतर महसूस करवाती है, लेकिन आपको बताए गए अनुसार लेते रहना होगा। चाहे आप बेहतर महसूस कर रहे हो, समय से पहले बंद कर देने पर इन्फेक्शन फिर से वापस आ सकता है और फिर इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है। अब जानते ओडोक्सिल टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा से होने वाले ज़्यादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से इसका सेवन करने से ये साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ली। ओडोक्सिल के सामान्य साइड इफेक्ट जैसे रैश, उल्टी, पेट में दर्द, मिचली आना, डायरिया जैसे लक्षण शामिल है। अब जानते ओडोक्सिल टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें या डोसेज के बारे में। इसे साबुन निकले, इसे ना ही चबाए, ना ही कुचले और ना ही तोड़े। ओडोक्सिल 500 टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे एक फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप आपकी दवाई लेना नहीं भूलेंगे। अब जानते ओडोक्सिल टैबलेट किस प्रकार काम करता है। ओडोक्सिल 500 टैबलेट एक एंटीबायोटिक होता है। ये बैक्टीरिया के प्रोटीक कवरिंग झिल्ली बनने से बचाकर बैक्टीरिया को मारता है, जो कि बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। अब जानते इसे यूज करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में। डॉक्टर ने आपको ओडोक्सिल 500 टैबलेट लेने की सलाह संक्रमण के इलाज और लक्षणों में सुधार के लिए दिया गया है। बेहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़े और इलाज का कोर्स पूरा खत्म करें। इसका सेवन जल्दी बंद कर देने से संक्रमण दोबारा हो सकता है और फिर इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है। पेट खराब होने से बचने के लिए इसे भोजन के साथ लें। यदि आपको रैश, त्वचा में खुजली, चेहरे मुंह पर सूजन या सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्या आ रही तो डॉक्टर को बताएं। साइड इफेक्ट के तौर पर दस्त होना शुरू हो सकता है। आमतौर पर दस्त होना शुरू हो सकता है, लेकिन कोर्स पूरा हो जाने के बाद दस्त होना रुक जाना चाहिए। अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि रुक नहीं रहा है या आपके रक्त में मल मिल रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।